वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन का नोटिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस के बाद इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कानून की तशरीह का इख्तियार नहीं है। एक कानून साजी की गई थी आईन के इख्तियार के मुताबिक कि इजाज़त दी जाए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी कि वो इलेक्शंस के अंदर कैंपेन कर सके, इस तरीके से दुनिया के अंदर इजाज़त होती है। तो वो उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नोटिसेज इशू कर दिए वज़ीर आज़म को भी, मुझे भी और बहुत सारे लोगों को कि आप लोग क्यों गए हैं। तो हमने पिटीशन फाइल की है, वज़ीर आज़म और मैं दोनों उसके दस्तखत कुनंदा हैं एज इंडिविजुअल पिटिशनर्स कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक ड्यूली डन लेजिस्लेशन को ओवरराइड करके, कानून को ओवरराइड करके अपनी तरफ से कोई उसकी इंटरप्रिटेशन कर सके।